नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने लेके हैं दही। आप लोगों को पता होगा दही में बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे कैल्शियम है, विटामिन जैसे कि विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और दही में इतना सारा गुण होते होते और एक गुण है, वो है हमारे स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज भी करता है। और पता होगा दही सभी के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और वेट लॉस के लिए। आप लोगों को पता होगा दही सिर्फ खाने के लिए नहीं, दही हमारे बालों में लगाने के लिए, डैंड्रफ के लिए और फेशियल के लिए यूज़ करते हैं। दही को हम सभी काम में यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट हम वेट लॉस डाइट के लिए भी दही को यूज़ करते हैं। दही सभी के लिए बहुत फायदा, सभी के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है। दही बहुत अच्छा है। आज हम बनाएंगे दही से और एक नया डिश बनाएंगे, वो नई तरीके से, वो है दही के दही कड़ी। आइए दोस्तों, नई तरीके से आज हम बनाएंगे दही कड़ी। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 2 कप चावल का आटा लिए हैं और 1 कप कर्ड लिए हैं, 1 कप दही लिए हैं। कढ़ाई लेते हैं, अब 2 टेबलस्पून तेल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा लाल मिर्ची डालेंगे, आप चाहे तो इसको हरी मिर्ची ले सकते हैं। अब पंचफोरन डालेंगे, देखिए बन गया। अब करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता अच्छे से होने के बाद हम पानी डालेंगे अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करके लीजिए पानी। हम यहाँ हमारे हिसाब से 6 कप पानी ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए। अब 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के मुताबिक नमक डालेंगे। देखिए हमारा सब बन गया है। अब इसको थोड़ा देर तक कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा उबल आ गया है, अच्छी तरह से उबल आ चुका है। अब इसमें चावल का आटा डालेंगे, अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है। आप थोड़ा थोड़ा डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए इसको। हमें यहाँ पर चावल का आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है, नहीं तो वो गांठ बन जाएगा। आप देखिए अब बन गया है। अब इसको थोड़ी देर तक कवर कर लेते हैं। उबल भी आ गया है। अब इसमें दही को डालेंगे। दही को भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से घुल मिल जाए। देखिए हमारा दही कड़ी अब बन गया है, कितना अच्छा बना है, देखिए गांठ भी नहीं है। अब इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, देखिए कितना सुंदर बना है और बनाने में भी इजी है। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए, और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको राइस में खा सकते हैं, चपाती में, सभी के साथ खा सकते हैं। आप इसको स्नैक के हिसाब में भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है, जरूर ट्राई कीजिए। नमस्ते, जाते जाते एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।